लोग अभी डे थ्री है हमारा वाटरफोर्ड में, और अभी हम लोग बीच की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ के हमारे हॉस्टल के पास ये बीच है, एकदम सुंदर। अभी हम लोग पनवान बीच से ट्रम्बोन बीच की तरफ आए हैं क्लिफ वॉक पे, और इसको ऐसे एक सीक्रेट बीच बोलते हैं बिकॉज ये बहुत सुंदर है और यहाँ केव्स वगैरह भी हैं। हम लोग यहाँ एक सीक्रेट बीच के पास आए हैं और यहाँ पे केव्स भी हैं जो अब अभी हम देखेंगे जाके। बहुत ही सरियल, मैजिकल प्लेस। इसका नाम है ट्रम्बोन बीच। थोड़ा केव्स, हाँ थोड़ा सा ऐसे हिडन टाइप है, लोगों को पता नहीं है, तो अगर आप आओगे तो हाँ इसमें बनमोहन बीच से ट्रम्बोन बीच की क्लिफ वॉक है वो करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे केव्स वगैरह चेकआउट करते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा अंदर, लेट्स सी। अनीश बेड्स उपासना। तो अभी हम लोग बनमोहन बीच पे हैं और यहाँ से हम लोग साइकिल लेके अपने हॉस्टल जाएंगे, वहाँ से अपने बैग्स उठा के आज वापस वाटरफोर्ड सिटी जाएंगे, और वहाँ से ट्रेन लेंगे और डबलिन वापस, और कल से ऑफिस। ये पास्ता, तुम खुश हो? ऑफिस से खुश नहीं है? नहीं, ऑफिस तो अच्छा ही लगता है बट। और 32 किलोमीटर भी साइकिलिंग करनी वो है तो, नहीं कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ रास्ते में, और ये एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन, 100 साल पुराना, जिसके ऊपर ये है ग्रीनवे बना है। पहले ट्रेन लाइन हुआ करती थी, बहुत पुरानी। और ये उपासना रेलवे स्टेशन पे रिलैक्स कर रही है। तो हमारा लास्ट डे वाटरफ्रंट ग्रीनवे साइकिलिंग का, और अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्टल से। छः बजे ट्रेन है और अभी 1 बजे है, और अभी हमें यहाँ से कोई 32 किलोमीटर जाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस रास्ते में कोई पंचर ना हो, जैसे शुरुआत जैसे आते टाइम पहले दिन हुई थी। होपफुली बट हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 5 घंटे हैं, तो हम लोग अगर हो भी जाए गड़बड़ तो।